हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है आपके ही इस चैनल पे। और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। आप क्या ओनियन खाते हैं, यानी प्याज खाते हैं, कच्चा प्याज, या नहीं खाते हैं? बहुत लोग कच्चे प्याज को नहीं खाते हैं क्योंकि उनके यहाँ प्याज लहसुन मना है। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, प्याज खाना, कच्चा प्याज खाना बहुत ही अच्छा है। अगर आप अपने डाइट में, अपने खाने में शामिल करते हैं कच्चा प्याज, तो आपको बहुत बीमारियों से वो बचाता है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हो गया है तो ख़त्म कर सकता है बीमारी, लेकिन बहुत बीमारियों से बचाता है। और अच्छा है ना कि हम उस चीज़ का देख रेख करें। तो अगर कच्चा प्याज आप खाएंगे, तो पहला तो फाइबर इसमें बहुत होता है। कच्चा प्याज खाने से आपके गले में जो खराश होता है ना, वो भी ठीक होता है। कच्चा प्याज खाने से आप बीपी होता है, बीपी ब्लड प्रेशर, तो वो भी ठीक होता है, बहुत हद तक कम होता है। कच्चा प्याज खाने से, कच्चा प्याज बोल रही हूँ बार बार, कच्चा प्याज खाने से खून की कमी है अगर आपके शरीर में, वो भी दूर होती है। कच्चा प्याज खाने से अगर आपको आपके पेशाब में प्रॉब्लम होता है, जलन होता है, तो भी आपको उसमें बहुत आराम मिलता है। कच्चा प्याज खाने से आपको अगर कैंसर वंसर में भी बहुत ही आराम मिलता है। तो आप कच्चा प्याज खाइए। मुझे मेडिकल लैंग्वेज नहीं आता है, बहुत फ़ायदे हैं कच्चे प्याज के। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं विदाउट गूगल बता रही हूँ, इसके बहुत फ़ायदे हैं कच्चा प्याज। इनफैक्ट आप जानते हैं कि कच्चा ओनियन का जूस लगाने से बालों में ग्रोथ आपका स्टॉप हो जाता है, हेयर फॉलिंग और ग्रोथ बढ़ता है। तो जो आपके ऊपर से इतना अच्छा कर सकता है, तो आपके अंदर जाके कितना अच्छा करता है। तो कच्चा प्याज, अगर मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बताऊं, तो कच्चा प्याज आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप सर्वे करेंगे तो पाएंगे जो कच्चा प्याज खाते हैं उनकी, तो जो नहीं खाते हैं उन दोनों में कंपेयर किया जाए तो हेल्दी सबसे ज़्यादा कच्चे प्याज वाले रहते हैं, और नहीं खाने वाले तो थोड़े कम रहते हैं। कहने का मतलब ऐसा है, हो सकता है मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ, लेकिन ऐसा है। वीडियो को लंबा नहीं करूँगी, इसके बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में बात करूँगी। तो तब तक के लिए, अगर नहीं खाते हैं तो खाना चालू कर दीजिए, इससे कोई बीमारी नहीं होता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।